नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है DHP न्यूज चैनल में। मैं हूं आपके साथ रोहित शर्मा और हिमाचल प्रदेश के आज के मुख्य समाचार आपको बताएंगे। सभी खबरों के बारे में जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए। चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं प्रदेश के मुख्य समाचार। JOAIT का एक और पेपर हुआ लीक, भंग कर्मचारी चयन आयोग के पूर्व सचिव सहित 5 पर FIR। भंग होने से पूर्व हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से आयोजित भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के मामले थम नहीं रहे। अब शुक्रवार को राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो के विशेष जांच दल ने पोस्ट कोड 903 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT की भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने का खुलासा किया है। SIT ने पेपर लीक मामले में 13वीं FIR दर्ज की है। FIR में आरोपी HAS अधिकारी पूर्व सचिव डॉ. जितेंद्र कंवर, पूर्व सचिव का चालक जयचंद की बहन, गोपनीय शाखा से निलंबित वरिष्ठ सहायक उमा आजाद और उमा की भांजी को बतौर आरोपी नामजद किया गया है। आरोप है कि उमा ने भांजी और पूर्व सचिव डॉ. जितेंद्र कंवर के वाहन चालक जयचंद ने अपनी बहन को प्रश्न पत्र उपलब्ध करवाया। दोनों ने अव्वल अंकों के साथ परीक्षा उत्तीर्ण की। SIT के पास पेपर लीक मामले में पर्याप्त सबूत होने के बाद शुक्रवार को यह FIR दर्ज की गई है। इससे पूर्व 12 अलग अलग FIR दर्ज हो चुकी है। कुल 14 विभिन्न भर्तियों के पेपर लीक के मामलों का पट्टा शेव SIT कर चुकी है। आयोग ने 8 अप्रैल 2021 को 82 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। करीब 46,581 आवेदन प्राप्त हुए। 19 दिसंबर 2021 को 20,833 अभ्यर्थियों ने लिखित परीक्षा दी। पास घोषित 842 अभ्यर्थियों का 5 से 7 मई 2022 तक टाइपिंग टेस्ट हुआ। लिखित परीक्षा और टाइपिंग टेस्ट में उत्तीर्ण 272 अभ्यर्थियों के लिए मूल्यांकन परीक्षा का आयोजन किया गया था। JOAIT की भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने का भी खुलासा कर दिया है। SIT ने पेपर लीक मामले में अब 13वीं FIR दर्ज की है। यह बात SP विजिलेंस मंडी राहुल नाथ ने कही। हिमाचल में भारी बारिश से 4 NH 468 सड़कें ठप, मकान गिरने से दबे 6 लोग निकाले सुरक्षित। हिमाचल प्रदेश में मौसम का कहर लगातार जारी है। भारी बारिश और भूस्खलन से 4 नेशनल हाईवे और 468 सड़कों पर यातायात बंद हो गया है। नदी नाले उफान पर हैं। गुरुवार रात को हमीरपुर की दरब्यार पंचायत में स्टील पोस्ट मकान गिरने से सो रहे एक ही परिवार के 6 सदस्य मलबे में दब गए। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित निकाला। शिमला जिला से सबसे ज्यादा 220 और कुल्लू में 115 सड़कें बंद हैं। वहीं राज्य में 552 बिजली ट्रांसफार्मर भी ठप हैं। 224 जलापूर्ति योजनाएं भी बाधित चल रही हैं। शिमला, कुल्लू व मंडी में सबसे ज्यादा ट्रांसफार्मर बंद पड़े हैं। शुक्रवार को पोंग बांध से तीसरे दिन भी पानी छोड़ा गया। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश के कई इलाकों के लिए शनिवार को भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। 30 जुलाई से मौसम में कुछ सुधार होने से राहत के आसार हैं। किन्नौर के नाथवा गांव की पहाड़ी से पिछले 4 दिनों से लगातार चट्टाने गिरना जारी है। इससे गांव को खतरा पैदा हो गया है। शुक्रवार सुबह 5:15 पर पहाड़ी से भूस्खलन होने पर नाले के साथ मौजूद गांव के बीच मकान खाली करवाए गए। कोटसारी में भूस्खलन से मकानों में दरारें आने से 3 परिवार बेघर हो गए हैं। जम्मू का युवक हिमाचल में बेचने आया था नशीले कैप्सूल, पुलिस ने पहले ही धर दबोचा। हिमाचल प्रदेश में नशा तस्करों पर प्रदेश पुलिस लगातार कहर बरपा रही है। नशा तस्करों पर पुलिस बल लगातार शिकंजा कस रही है। खास तौर पर पुलिस बाहरी राज्यों से आने वाले तस्करों पर रोकथाम लगाने के पुरजोर प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में एक अन्य मामला और जुड़ गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि पुलिस ने नशे की बड़ी खेप के साथ पड़ोसी राज्य के एक नशा तस्कर को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। मिल रही जानकारी के अनुसार जिला कांगड़ा के तहत आते पुलिस थाना नगरोटा बगवा की एक टीम रूटीन गश्त पर थी। इस दौरान आने जाने वाले तमाम गाड़ियों को चेकिंग के लिए रोका जा रहा था। इसी बीच पुलिस ने एक गाड़ी से 1,160 प्रतिबंधित परोक्सोविन स्पास कैप्सूल बरामद किए। पुलिस ने तुरंत आरोपी को हिरासत में ले लिया और नशीले कैप्सूल कब्जे में लेकर गाड़ी भी सीज कर ली। वहीं मामले की पुष्टि करते हुए SP कांगड़ा ने बताया कि 1,160 प्रतिबंधित परोक्सोविन स्पास कैप्सूल के साथ एक व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए गए व्यक्ति का नाम सुमित खजूरिया पुत्र स्वर्गीय जोगिंदर पाल है। सुमित जम्मू कश्मीर के जिला कठुआ के तहत आते गांव सालन डाकघर दयाज लाचक तहसील हीरानगर का रहने वाला है। कंपनी में करंट लगने से 22 वर्षीय युवक ने छोड़ी दुनिया, सदमे में माता पिता। हिमाचल प्रदेश में हादसों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक के बाद एक हादसे के समाचार प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में अब एक मामला सूबे के जिला कांगड़ा से सामने आया है।
जहां बताया जा रहा है कि बिजली का करंट लगने से एक 22 वर्षीय युवक की दर्दनाक मौत हो गई। युवक की कंपनी में काम करता था, जहां काम करते समय उसे अचानक करंट लग गया, जिसके बाद अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। प्राप्त हो रही जानकारी के अनुसार प्रदेश के जिला कांगड़ा के तहत आते उपमंडल इंदौरा के भदुरैया गांव में एक उद्योग में काम कर रहे एक 22 वर्षीय कामगार युवक की करंट लगने से घायल हो गया। करंट लगने के बाद हालांकि उसे तुरंत इलाज के लिए पठानकोट के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, मगर वहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस को सूचना मिलने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नूरपुर अस्पताल भेज दिया। हमीरपुर मंडल भाजपा के चुनाव में भिड़े कार्यकर्ता एक दूसरे पर बरसाए मुक्के। हिमाचल प्रदेश के मंडल भाजपा हमीरपुर के चुनाव को लेकर बुलाई बैठक में जिला परिषद के उपाध्यक्ष नरेश कुमार दर्जी और भाजपा कार्यकर्ता गुत्थम गुत्था हो गए। बैठक के दौरान हाथापाई भी हुई, एक दूसरे पर मुक्के बरसाए गए। शुक्रवार को हमीरपुर के हीरानगर स्थित पार्टी कार्यालय में मंडल हमीरपुर भाजपा के चुनाव को लेकर एक बैठक रखी गई थी। इसमें पार्टी हाईकमान ने प्रभारी के तौर पर पूर्व सांसद सुरेश चंदेल और पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष पायल वैद्य को हमीरपुर भेजा था। दोपहर बाद 3 बजे के करीब जब बैठक में पार्टी के पूर्व पदाधिकारी पहुंचने लगे तो जिला परिषद के उपाध्यक्ष नरेश कुमार दर्जी भी आए। बैठक में पहले से मौजूद पूर्व विधायक नरेंद्र ठाकुर के समर्थकों ने नरेश कुमार दर्जी का बैठक में आने पर विरोध किया। उनका कहना था कि नरेश कुमार दर्जी ने विधानसभा का चुनाव निर्दलीय के तौर पर लड़ा था, जिससे पार्टी प्रत्याशी को नुकसान हुआ। आज का सुविचार, कोई इतना अमीर नहीं होता कि वो अपना गुजरा हुआ कल खरीद सके, और कोई इतना गरीब नहीं होता कि वो अपना आने वाला कल ना बदल सके। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। प्रदेश के मुख्य समाचार रोजाना जानने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। अब मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।